गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 2 वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल पढ़ने से पहले हम जानेंगे वर्ग या स्क्वायर क्या होता है। वर्ग या स्क्वायर वर्ड सुनते ही जहन में एक ज्योमेट्रिकल फिगर आता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है। तो वर्ग निकालना मतलब इस स्क्वायर का एरिया निकालना। क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, तो अगर इसकी एक साइड 7 है तो दूसरी साइड भी 7 है। तो एरिया जब हम निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, जो सेम है 7 है, 7 × 7 ये हो गया 49। इसे पावर के रूप में हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1 2 2। तो स्क्वायर निकालने का मतलब किसी स्क्वायर का एरिया निकालना। और क्योंकि एरिया में साइड इंटू साइड होता है, दो बार मल्टीप्लाई होती है, तो पावर इसकी 2 हो जाती है। हम इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये एक टाइल है, ये हमारी 1 2 3 4 टाइल्स हैं, और ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइल्स हैं। इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम हैं। तो कॉलम लिखते हैं हम इधर दो कॉलम और इधर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। इसमें तीन रोज हैं और तीन कॉलम हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। और क्योंकि ये एक ही टाइल है इसलिए 1 × 1 = 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस फिगर में हमारे 4 रोज हैं, 1 2 3 4, और 4 ही कॉलम्स हैं। तो हमें स्क्वायर बनाना है। अगर नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ेंगे। अब हम इसको करते हैं, एक रो और बढ़ाते हैं, और एक कॉलम और बढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 रोज और 5 कॉलम। तो हमने देखा 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर 5 रोज 5 कॉलम्स। काउंट करके भी देख सकते हैं कि ये 25 स्क्वायर्स हैं। तो 5 का स्क्वायर जो है हमारा हो गया 5 × 5 = 25। इसी तरह हम सारे स्क्वायर्स लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एंड सो ऑन। इसी तरह हम स्क्वायर्स लिख सकते हैं। अब हमें स्क्वायर निकालना आ गया है। अब हम एक्सरसाइज 2A शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्ग ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं का। तो ये सारी हमारी संख्याएं हैं 5, 6, 7, 15 तक। अब इसमें सम संख्या क्या है, जो 2 से भाग हो जाएंगी, 2 से डिवाइड हो जाएंगी, वो होंगी 2, 4, 6, 8। और जो 2 से भाग नहीं होंगी वो हमारी विषम संख्याएं हैं। तो हमारी विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 13 तक आएंगी।
क्योंकि 15 के बीच की निकालनी है। अब हम एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर 1, ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 × 3, 2 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है, हो गया 9। 5 का स्क्वायर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25। 7 का स्क्वायर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 = 49। इसी तरह हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, 7 के बाद 9 का निकालेंगे, 11 का निकालेंगे और 13 का निकालेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित के मान बताइए, 56 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर। हम इसका एक पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 56 का स्क्वायर। ये क्लियर बता रहा है हमें 56 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 56 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको 56 को 56 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आएगा। तो ये सॉल्व आपको खुद करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है -5, तो ये तो सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। सेकंड कराती हूं मैं, 13/7। तो हमें थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, 13/7, 17, 13/17 का स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, 13/17 दो बार करेंगे गुणा, तो 13/17, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 169। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 289। तो ये परिमेय संख्याओं के भी स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से। इसका दूसरा पार्ट करते हैं, -6/7, थर्ड पार्ट, -6/7 का वर्ग या स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू -6/7 इंटू -6/7। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस। तो ये हमारा हो गया प्लस 6 × 6, 36, और डिनोमिनेटर में 7 × 7, 49। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग या स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम स्क्वायर रूट समझते हैं। स्क्वायर रूट स्क्वायर का रिवर्स है, उल्टा है। अगर पहले हमें एक साइड दे रखी थी, हमें एरिया निकालना था, अब हमें एरिया दिया हुआ है, तो हमें एक साइड स्क्वायर की कैसे निकालनी है। सपोज इस स्क्वायर का एरिया हमारा 25 है, इस स्क्वायर का एरिया हमारा 25 है, तो हमें ये साइड निकालनी है, ये कितनी है। अब क्योंकि 25 एक छोटा नंबर है, हम निकाल सकते हैं कि 5 × 5 इज इक्वल टू 25, यानी हमारी साइड या लेंथ 5 हो गई। इस तरह हम, हमें अगर स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स पता है तो हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। हमें पता है 1 स्क्वायर, या यहां लिखते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 8, 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 9, 81, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 × 10, 100। तो इतने स्क्वायर्स हम, टेबल्स हमें आते हैं, तो इतने स्क्वायर्स हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो
स्क्वायर रूट की इम्पोर्टेंस कितनी है मैथमेटिक्स में, कि इसके लिए एक अलग सिंबल यूज किया है डिनोट करने के लिए। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर रूट को, इस सिंबल से। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो हमने देखा, अगर हमें एरिया दिया हुआ है और हमें उसकी साइड निकालनी है, तो उसके लिए हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर्स अगर हम याद हैं और छोटी नंबर्स हैं, तो हम स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। छोटे नंबर्स का स्क्वायर रूट तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 16 का 4 × 4 = 16, 25 का 5 × 5 = 25। लेकिन अगर नंबर्स हमारे पास बड़े हैं, तो फिर हम उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखते हैं 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये लास्ट डिजिट 5 है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 9 = 45, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो हमारे फैक्टर्स आए 225 के 5 × 5 × 3 × 3। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हम दो में से एक लेते हैं। हमने पेयर्स बना लिए इसके। हम चाहें तो इसे पहले स्क्वायर रूट के साइन के नीचे सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3 × 3। अब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए दो में से एक 5 लेंगे, 5 × 3। ये हो गया हमारा 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। 225 का स्क्वायर रूट 15 है। अब हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 9 = 18, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 1, और ये 121 डिवाइड हो जाएगा 11 से। 11, 11, 11 1 = 11। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 7744 के, 7744 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6, 6 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 11 इंटू 11। अब हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। 7 7 4 4। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे जोड़े, और जोड़े में से एक लेंगे। तो ये हमारा हो गया, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, और इसमें से 11। ये आप कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या 625/1296। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब
अलग अलग दोनों का स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे। तो पहले हम 625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 625 के फैक्टर्स आए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम 1 2 9 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 4 8 2 3 2 4 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 1। 81 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में 1 आ गया। तो अब 8 और 1 9 हो जाता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 1 0 1 2 9 6, 1296 के फैक्टर्स हैं। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4, और 4 टाइम्स ही 3। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 625 अपॉन 1296 का। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक लेंगे, 5 इंटू 5। इसी तरह पेयर्स यहां बनाएंगे और पेयर्स में से एक एक लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 25, 2 2 4 12, 36। इस तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो या सिंपली कोई होल नंबर, इंटीजर, कुछ भी।